गाइस, अगर आप Redmi Note 5 Pro में कस्टम रॉम्स ट्राई करना चाहते हो, चाहे वो MIUI ग्लोबल बीटा ओरियो बेस्ड रॉम हो या फिर स्टॉक एंड्रॉइड 8.1 बेस्ड, आपको एक बार रिजरक्शन रिमिक्स OS जरूर ट्राई करना चाहिए। वाई चलिए देखते हैं, बट पहले इंट्रो। बूट लोडर अगर आपने अनलॉक कर लिया है तो TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कीजिए, फिर फ्लैश कीजिए सबसे पहले कस्टम रॉम यानी RR रॉम जिप थर्ड मे का। उसके बाद आप GFs फ्लैश कीजिए। GFs मैंने ARM 64 8.1 माइक्रो फ्लैश किया था, उसके साथ फेस अनलॉक जो फीचर है वो आता है इस पैकेज में, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये फीचर नहीं दिखा, तो मैंने मैजिस्क 16.3 zip फाइल से अपने फ़ोन को रूट किया, फिर फेस अनलॉक मैजिस्क मॉड्यूल फ्लैश किया तो मुझे यह फीचर मिल गया। गाइस, रिजरक्शन रिमिक्स रोम में बहुत सारे फीचर्स है, ये वन ऑफ द मोस्ट कस्टमाइजेबल रोम है, मैंने पहले भी कहा है और ऑलरेडी मैंने दूसरे डिवाइसेस के लिए इस रोम का रिव्यू कर दिया है, तो मैं यहाँ पे सारे फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। बस इतना समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट हर एक पार्ट आप अपने डिवाइस का कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो लॉक स्क्रीन हो, स्टेटस बार हो, क्विक सेटिंग्स हो, रीसेंट पैनल हो, क्लॉक पोजिशन हो, नेटवर्क स्पीड हो, बैटरी आइकॉन हो, कस्टम हेडर्स हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। गाइस, अगर आप मुझसे बैटरी लाइफ के बारे में पूछोगे तो फ्रैंकली स्पीकिंग सच्चाई ये है कि मैं 4-5 दिनों से काफ़ी बिजी था, तो मैं इस डिवाइस में फुल चार्ज देकर इसको टेस्ट नहीं कर पाया प्रॉपरली, तो मैं एग्जैक्टली आपको कितना घंटे का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला मैं नहीं बता पाऊँगा, बट मैं ये कहूँगा कंपेयर टू लास्ट मेरा बीटा रोम जो MIUI बेस्ड था उससे मुझे बैटरी लाइफ थोड़ा सा इसमें कम दिखा, और ये मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा पाया, एग्जैक्टली मेरे पास इसके लिए कोई डेटा नहीं है, बट आपको फिर भी बैटरी लाइफ डिसेंट मिलेगा, एक दिन आप इजीली कैरी कर सकते हो, इनफैक्ट आप दूसरे दिन के लिए भी 2-3 घंटे बचा सकते हो अपनी बैटरी लाइफ। गाइस, गेमिंग में मुझे कोई इशू नहीं दिखा, वीडियो प्लेबैक एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा रहा, स्पीकर इवन हेडफोन्स के साथ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो और नेटवर्क की बात करूँ तो हमेशा से मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कस्टम रोम्स में स्पेशली कस्टम रोम्स की मैं बात करूँ, जियो में थोड़ा सा नेटवर्क मुझे पुअर दिखता है, हमेशा जो बार्स होते हैं वो हमेशा फुल नहीं होते, आई डोंट नो कि आपके केस में होता है या नहीं, बट जियो में अक्सर होता है तो मुझे इस रोम में भी दिखा। वैसे कॉल या फिर मैसेजिंग के टाइम पे किसी ने मुझे कोई कंप्लेन नहीं किया, तो कॉल लगाते वक्त भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो नेटवर्क के लिए मैं ये कहूँगा कि कोई इशू नहीं है। गाइज, इन माई ओपिनियन ये रिसेंटली जो मैंने MIUI ग्लोबल बीटा रोम बेस्ड ऑन ओरियो का जो रिव्यू किया था कंपेयर टू दैट रोम, ये काफ़ी स्मूथ एंड क्विक है और स्टेबल भी। वैसे तो डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड कैमरा ऐप ओके है, बहुत सारे फीचर्स हैं, मैनुअली आप कैमरा सेटिंग्स के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके आप बेटर आउटपुट आपको मिल सकता है, बेटर शॉट्स आप ले सकते हो, बट मैं कहूँगा ट्राई दिस जी कैम। कैमरा ऐप ओपन करेंगे, करने के बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे, BSG मोड सेटिंग्स पे टैप करेंगे एंड मोड सेलेक्ट करेंगे ओल्ड स्टाइल नेक्सस। HDR प्लस पैरामीटर्स में आप नॉर्मल या ब्राइट सिचुएशन में, लो एंड डार्क सिचुएशन में, हाई या वेरी हाई भी आप ट्राई कर सकते हो। अब गाइज, स्क्रॉल डाउन करके हम बिल्कुल नीचे चलेंगे एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑलवेज एक्टिव कर देंगे एंड कैमरा ऐप को आप हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा पोर्ट्रेट मोड एक्टिव करने के लिए। गाइज, मैंने जो जी कैम इसके साथ ट्राई किया है यानी रिजरक्शन रोम के साथ, ये परफेक्टली काम करता है इस रोम के साथ, दूसरे रोम्स के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने सेम जी कैम अपने मोटो G5S प्लस में भी ट्राई किया था और इस डिवाइस यानी रेडमी नोट 5 प्रो में भी, तो ये परफेक्टली काम करता है, फ्रंट कैम का पोर्ट्रेट शॉट्स एंड रियर कैम से लिए गए पोर्ट्रेट शॉट्स, लैंडस्केप, कुछ वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो।
गाइस कैमरा परफॉर्मेंस बैटरी लाइफ मुझे अब तक कोई भी मेजर प्रॉब्लम इस रोम में नहीं दिखा और ना ही कोई ऐसा बग्स। तो अगर आप ये रोम ट्राई करते हो या आपने ट्राई कर लिया है और आपको कोई बग्स दिखा है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर करके वीडियो को चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर एंड देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।